बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। कि इंसान पर जो ये नेमत या मुसीबत की हालत तारी होती है, ये दो तरह की है। एक ज़ाती और अनफुसी है। ज़ाती और अनफुसी का मतलब यह है उस नेमत या मुसीबत का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ात के साथ है, इंसान के नफ्स के साथ है, इंसान की ज़ात के हवाले से कोई मुसीबत आती है, उसके बदन पर बीमारी आ गई, उसके बदन पर कोई आफत आ गई, उसके बदन के अंदर कोई मुसीबत तारी हो गई, तो इंसान के बदन पर और उसके जिस्म और जान पर जो मुसीबत या राहत आती है, ये गोया कि ज़ाती और अनफुसी मुसीबत और राहत है। और या इस इंसान की ज़ात से निकल कर बाहर की दुनिया में वो मुसीबत या नेमत ज़ाहिर होती है, तो वो आफाकी और ख़ारजी होती है। तो गोया कि ये नेमत या मुसीबत ये दो तरह की है, एक ज़ाती और अनफुसी है, दूसरी ख़ारजी और आफाकी है। गोया कि बाहर के माहौल के अतबार से कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, या अल्लाह तबारक व तआला की कोई नेमत उतरती है, तो गोया कि ज़ाती और अनफुसी और ख़ारजी और जो है वो आफाकी, ये दो तरह की नेमतें या मुसीबतें इंसानों पर तारी होती हैं। जब इंसान इन ज़ाती और जो ख़ारजी नेमतों का शुक्र करता रहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बुलंदी दर्जात अता फरमाते हैं। यहाँ तक फरमा देते हैं कि लाइन शक्र तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करते रहोगे तो मैं अपनी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा करता रहूँगा। तो गोया कि नेमत के शुक्र पर अल्लाह तबारक व ताला नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। और अगर सब्र करोगे, अगर मुसीबत की हालत आ गई है, अब उस पर तुम सब्र करोगे, तो फरमाया कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व ताला की माइयत मिल जाती है, अल्लाह तबारक व ताला अपना साथ और रफ़ाकत उनको अता कर देते हैं।